ये बोल रहा ड्राइवर को 10 साल की सजा, 7 लाख जमाना सर कहाँ से देगा ड्राइवर? ये सरकार क्या बोल रही है, अगर ड्राइवर से हादसा होता है ड्राइवर उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा तो उसको सजा कम हो जाएगी, और ड्राइवर को तो खुद उठा के लेना पड़ेगा उससे। नहीं, अगर ड्राइवर उसको उठाने के लिए रुकेगा ना जनाब, तो ड्राइवर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि मारेगी पब्लिक, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने देगी। और अगर भाग जाता है ड्राइवर तो 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। ये बड़ा कठिन हो रहा सौदा। पर सर ड्राइवर की पगार उतनी है? ड्राइवर के लिए पगार ना सगार ना कुछ ना जी, ड्यूटी 24 घंटे करेगा। जो कानून ने बनाया ना ये बिल्कुल गलत है। ड्राइवर का ऊपर 7 लाख रुपए अगर ड्राइवर के पास है तो ड्राइवर गाड़ी क्यों चलाएगा, अपना घर धंधा कर लेगा कोई। बाकी 10 साल की जो सजा है कानून तो है नहीं, ये तो एक जालिमी है, जास्ती है। ड्राइवर देश का नागरिक होता है, जिसको आज रेत में रड़ा के पटक दिया कानून ने, मिट्टी में रड़ा दिया। रेस्टिंग प्लेस भी नहीं होते आपके, आपको नींद आएगी आएगी, इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, GST के बाद आपकी जिंदगी आसान हुई मुश्किल हुई या कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ? नुकसान तो हो रहा है जी। नुकसान क्या है सर? डीजल कितने अभी, डीजल का दाम देखो सर। कोई भी सामान है बिल लेना पड़ता है मालिक, अगर GST का बिल अगर हमारे लिए कहीं नहीं मिला, हमने यूरिया का डब्बा ले लिया वो पास ही नहीं करते, कहीं पे GST मिलता है कहीं नहीं मिलता है। आपने देखा नहीं कभी? हाँ बनना चाहते क्यों नहीं बनना चाहते सर? जैसे बैंक लोन देती है गरीब को भी मिलना चाहिए। आपने कभी बैंक लोन लिया? मिलता नहीं सर हमको, बैंक से आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिलेगा सर, बोलेंगे किसी की डालो को, उसको जिसको हाँ को क्या कहाँ से किसी चीज को गिरवे रखना है, अगर जमीन नहीं है हमारे पास गिरवे रख लेंगे तो हमारा लोन नहीं मिलता। बट 80 लाख लोग हैं, अगर आप संगठित हो गए बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी। तो हो जाएंगे, अभी तो हो रहे लोग, जो बोलता उसको दबाया जाता सर या उसको मार दिया जाता।